शिबा से आज से 3 साल पहले मिला था मैं फूलों की दुकान पे। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार। मैं एक एक्टर बनने आया था, एक सक्सेसफुल एक्टर, मगर कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। शिबा के पास आते ही मैं अपने सारे गमों को भूल जाता था। फिर हमने शादी कर ली और 1 साल बाद हमें एक बच्ची हुई। मैं जब भी अपनी बच्ची को देखता तो दिन भर की सारी थकान, ऑडिशंस के सारे रिजेक्शंस, सब सब भूल जाता। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। जहां तक मुझे ऐसा लगता था, लेकिन एक दिन एक खत मिला। इसमें शिबा ने लिखा कि वो घर छोड़कर जा रही है। कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, कितने दिन के लिए जा रही है, मैं उसका इंतजार करूं या ना करूं, कुछ नहीं था। क्या पूछूं, किससे पूछूं, सिर्फ सवाल थे, सिर्फ सवाल। और आज अचानक 3 साल बाद तुम वापस आई हो, मुझसे मेरी बच्ची छीनने। हाँ, और ये कह रही हो कि तुम अपने सपने पूरे करने गई थी। कौन से सपने, कैसे सपने? इन सपनों का जिक्र आज के पहले तुमने मुझसे कभी नहीं किया। शिबा, शिबा, अब तुम्हें याद आया कि तुम एक माँ हो। हाँ, जब एक 6 महीने की बच्ची छोड़कर गई थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम एक माँ भी हो। मैंने घर के सारे काम सीखे मेरी बच्ची के लिए। मैंने खाना बनाना सीखा, मैंने कपड़े धोने सीखे, उसे अपने हाथों से तैयार करना सीखा, उसके बेटों के सवालों का जवाब दे। और अग्रवाल साहब, आप ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, नॉट वर्दी, अल्कोहलिक, रैकलेस, जिगोलो, स्ट्रिपर, लेकिन एक चीज आपको नहीं पता, मैं 10 लोगों के सामने 100 लोगों के सामने नंगा नाचता था और मुझे इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी गोद में 6 महीने की बच्ची थी। मेरी बच्ची, आज वो बच्ची 3 साल की है और उसे पाल पोस कर बड़ा किया है इस नॉट वर्दी, इस एल्कोहलिक बाप ने।
शिभम, मैंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। शिभम, तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, पर मुझसे मेरी बच्ची बच्ची लो, मेरी बच्ची कुछ खुशियां मत छीन, प्लीज, कम ऑन। शिभा, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, प्लीज मेरी बच्ची को मुझसे मत।